आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। और देखिए, शपथ ग्रहण के बाद सीएम बनने के बाद चंपाई सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आउट था 9 तारीख से जी, उसको विलोपित करके नया से हम लोग करेंगे। आप लोग कोई डेट तय किया 5 तारीख का कर रहे हैं क्या? पॉलिटिक्स भी हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद ही कर रहे हैं। दुमका भी जा रहे हैं क्या अभी? अभी हम न्याय यात्रा में शामिल होंगे, राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे हम। राहुल गांधी थोड़ा जोर से बोलिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे, हमारा ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है। हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज के पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज को उसको अपनाना पड़ा, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट करमवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल होंगे। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, ये चंपाई सोरेन जो है राजू राजू तो झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन को सुन रहे थे आप। झारखंड के नए सीएम बनने के बाद चंपाई सोरेन पहली बार मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी है। उन्होंने कई बड़ी बातें भी रखी है। शुभकामना देता हूं झारखंड प्रदेश के सभी पालू, आप लोग को माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे हम लोग कि झारखंड सरकार की जो पिछले दिन हमारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चार साल जो कामकाज और विषम परिस्थिति में भी, कोरोना जैसा महामारी में भी हेमंत बाबू का अच्छा नेतृत्व, अच्छा सूझबूझ और झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो 20 साल बाद हेमंत बाबू का जो कामकाज, यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो उनका बुनियादी सवाल को मजबूत करने, झारखंड आंदोलनकारियों का जो उद्देश्य, उस अनुरूपे जो योजना को तैयार किया है, ये सरकार वो जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से ये सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया, उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन ने, उसी काम को और तेजी से हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर वर्ग चाहे किसान हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, यातायात की बात हो, ताकि झारखंड प्रदेश में अमन चैन भी हो,
और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हमने पूरा करेंगे ताकि ये झारखंड प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जल जंगल जमीन से घिरा हुआ है, जल जंगल जमीन का बरसों से संघर्ष हुआ है, यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूलवासी का अस्तित्व को अस्मिता को बचाना है, ये बहुत बड़ा दायित्व जो हमको मिला उस दायित्व को अच्छा से निभाएंगे और जो भी विपक्ष की ओर से पीछे सरकार को अस्थिर करने का और उनका जो विपक्ष का जो अस्थिर करने को सोचा है, यह हमारा गठबंधन सरकार उसका काम का माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। और चंपाई सोरेन को आप सुन रहे थे। झारखंड में एक बार फिर से चुनी हुई कई सरकार में अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अब तक जितनी भी सरकार बनी किसी ने अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे देते ही बहुमत से चल रही महागठबंधन की सरकार समय से पूर्व ही खत्म हो गई। झारखंड के गठन के 23 साल हुए हैं पर इस बीच 12 सीएम अब तक बन चुके हैं। यही नहीं, जिन 7 नेताओं ने अब तक प्रदेश की बागडोर संभाली है उनमें से 3 मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। रघुवर दास को छोड़कर अगर हम बात कर ले तो कोई भी सीएम अपनी सरकार को 5 साल तक नहीं चला पाए। करीब 4 साल तक सरकार चलाने के बाद कथित जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में बहुमत से सरकार बनने के बावजूद कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले मुख्यमंत्रियों में हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल हो गया। नवंबर 2000 को अस्तित्व में झारखंड आया था। हेमंत सोरेन से पहले शिबू सोरेन और मधु कोड़ा अरेस्ट हुए थे और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास को कानूनी पचड़ों का सामना नहीं करना पड़ा। तीनों ही बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड गठन के 23 सालों में झारखंड में अब तक का एक ही सीएम रघुवर दास ही रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। रघुवर की सरकार में बीजेपी को बहुमत हासिल था। झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ये दूसरी पारी थी। इसके पूर्व भी वो लगभग 1.5 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। अलग अलग टर्म को जोड़कर देखा जाए तो सीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल अर्जुन मुंडा का रहा। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री बने पर उनका कार्यकाल कम ही रहा। मधु कोड़ा पर 4,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले का आरोप था। मनी लाउंड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, जबकि दिल्ली की अदालत ने दिसंबर 2006 में शिबू सोरेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1994 में निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में शिबू सोरेन दोषी करार दिए गए थे और अब हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला केस में ईडी की टीम ने 11 जनवरी को अरेस्ट कर लिया। इस तरह झारखंड की एक और सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी हुई है, जहां ज्ञानव्यापी केस में आज की सुनवाई पूरी हो गई है।
हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। आज मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसका विरोध किया। तो 6 फरवरी को दोपहर के 2 बजे अगली सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है, तो कोर्ट ने यूपी सरकार को ये जो जगह दी थी उसे संरक्षित करने को कहा है। कोई नुकसान या निर्माण नहीं होगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। तो तहखाने में जारी रहेगा पूजा। आपको बता दें कि तहखाने में दर्शन पूजन जारी रहेगा, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में नामजियों के जुम की नवाज खत्म हो गई है। आपको बता दें कि नवाजियों के जुम्मे की नवाज है वो खत्म हो चुकी है। करीब 1700 नमाजी मस्जिद में पहुंचे थे, बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है जुम्मे की नवाज। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाजियों के जुम्मे की नमाज खत्म हो चुकी है। करीब 1700 नमाजी मस्जिद में पहुंचे थे और बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। शांतिपूर्ण ढंग से ये जुम्मे की नमाज संपन्न हो चुकी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और ज्ञानव्यापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का ऐलान किया है। इस बंद का मिला जुला असर देखने को लगातार मिल रहा है। मुस्लिम इलाकों में बहुत सी दुकानें फिलहाल बंद हैं। आज जुम्मा होने के चलते पुलिस भी अलर्ट है। तो ज्ञानव्यापी के आसपास सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। संवेदनशील इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि वाराणसी बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई दुकानें फिलहाल बंद नजर आ रही हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का ये ऐलान, जिसके बाद बंद की अपील के चलते पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पूजा अर्चना को लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद पूजा अर्चना वहां चल रही है और आज जुम्मे की नमाज भी खत्म हो गई है। लेकिन पुलिस की तैनाती, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब व्यास जी का तहखाना ज्ञान ताल गृह के नाम से जाना जाएगा। व्यास जी के तहखाने में दर्शन पूजन शुरू होने के बाद नया नामकरण हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार और सनातन संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति परंपरा के अनुसार ज्ञानवापी शब्द जुड़ा है, इसलिए ज्ञानवापी तहखाना शब्द ठीक नहीं है। उसके नामों के 5 नामों के सुझाव दिए गए। इन 5 नामों में से ज्ञानवापी तालगृह पर सहमति बनी। ज्ञानवापी तालगृह का मतलब है कि ज्ञान के कुआं के पास जो ताल है, वहां पर भगवान विष्णु, भगवान श्री राम और गंगा का जो प्रतिनिधित्व करता है वो मकर, हनुमान जी, ये सारी मूर्तियां वहां विराजमान हैं। इन सभी मूर्तियों में पूजन अर्चन की व्यवस्था, प्रातःकाल 3 बजे से आरती, चारों विधाओं में आरती का विधान किया गया, भोग राग और रामचरितमानस का अखंड नवान पारायण भी वहां आरंभ करा दिया गया है। और ये आशा की जाती है कि भगवान विश्वनाथ का ये पुनीत पवित्र स्थल, क्योंकि शिवस्य दक्षिणे भागे तत्रवापी सुबोधिका, ये शिव के दक्षिण भाग में जो वापी है वो भगवान शिव की वापी है। और वो जो ताल है, उस ताल में पूजन अर्चन की करने से बहुत समस्त पापों का नाश होता है और भगवान श्री राम के रूप में उनके विष्णु के दशावतार श्री राम और हनुमान जी वहां विराजमान है। अन्य भी देव प्रतिमाएं वहां विराजमान है। सबका पूजन अर्चन आरंभ हो गया है, भोग राग की व्यवस्था शुरू हो गई है। और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और आंध्र प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी की मुकाबला खेला जा रहा है। लीड ग्रुप में बिहार अपना 4th मैच खेल रहा है। हालांकि आंध्र अंक में
तालिका 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। देखिए मोइनुल हक स्टेडियम से अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं। एलीट ग्रुप में बिहार का मुकाबला आंध्रा की टीम के साथ चल रहा है। बिहार के खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि टॉस जीतकर आंध्रा की टीम ने पहले फील्डिंग का चुनाव किया है और बिहार के खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। आंध्रा की टीम अंक तालिका में 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। 4 मैचों में 1 हार 1 ड्रॉ और 2 जीत के साथ दूसरे स्थान पर आंध्रा की टीम बनी हुई है, जबकि बिहार की टीम 4 मैचों में 1 हार 2 ड्रॉ और चौथी मैच यहां खेलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज दर्शक मोइनुल हक के स्टेडियम में ना के बराबर नजर आ रहे हैं। जब मुंबई के साथ बिहार की टीम मैदान में थी, मैच खेल रही थी, तो दर्शकों का जो उत्साह है वो देखते बन रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चंपाई सोरेन की पहली कैबिनेट का फैसला। चंपाई सोरेन की पहली कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 9 से 29 फरवरी का बजट सत्र विलोपित। वहीं राजीव रंजन बने हैं झारखंड के महाधिवक्ता। तो 5 से 6 फरवरी को विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र लगाने की बात कही गई है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं झारखंड से, जहां चंपाई सोरेन की पहली कैबिनेट का फैसला हुआ है। और तमाम खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।